बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मीना सादिक। आज हम बनाने जा रहे हैं मैक्रोनी पास्ता, जो हर घर के बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है पास्ता। इसमें ऑयल डाल रही है, फोर टेबल स्पून के बराबर हमने ऑयल डाला है इसके अंदर। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे और जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छे से हम भून लेंगे। उधर हमने पास्ते का पानी रख दिया है, देखिए हमारा पानी हो चुका है। इसमें हम मैक्रोनी पास्ता, ये हमारा मैक्रोनी पास्ता है, ये हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ये हमने मैक्रोनी पास्ता इसके अंदर ऐड कर दिया है, अब ये बॉईल होगा। 1 टेबल स्पून इसमें हमने ऑयल डाल दिया है। और ये हमारी चिकन है, एक बोनलेस का फिले हमने ले लिया था, उसको हमने कट कर लिया है। इसमें अच्छे से हम भून लेंगे, थोड़ा सा स्पाइसी टाइप से हम बनाएंगे मैक्रोनी। 1 टेबल स्पून नमक लिया है, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून से भी हमने कम चिली फ्लेक्स लिया है, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून हम सिरका डालेंगे, विनेगर, 1 टेबल स्पून हम सोया सॉस डालेंगे इसके अंदर, 1 टेबल स्पून हम रेड चिली सॉस डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें केचप डालेंगे, या आप अगर टमाटो प्यूरी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। ऐसे बनाएंगे तो और ज़्यादा टेस्ट आ जाएगा आपका। थोड़ा सा हम चिली गार्लिक सॉस डाल लें, चिली गार्लिक केचप। वेजिटेबल्स लिए, ये हमने कैबेज लिए, एक टमाटर लिया है उसके हमने बीज निकाल दिए, कैरेट लिए बारीक बारीक काट लिए, येलो वाली कैप्सिकम, रेड वाली और ग्रीन वाली कैप्सिकम, ये सब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे से कुक होने देंगे। जब तक हमारा पास्ता होगा ही हमारी सब्जियां भी रेडी हो जाएंगी और हमारा चिकन भी हो जाएगा इसी में। ये हमने 1/2 टेबल स्पून इसमें ब्लैक पेपर डाल रहे हैं और इसको एक दफ़ा चला लेंगे ताकि हमारी सब्जियां जो हैं, हमें ज़्यादा कुक भी नहीं करना है, बस ये 5 मिनट और पकेंगी, हमारा पास्ता भी होने वाला है। अभी थोड़ा सा रह गया हमारा पास्ता, थोड़ा सा अभी कुक नहीं हुआ है। चलें जी, अब अपना पास्ता हम चेक करते हैं कि हमारा पास्ता हो चुका है। अब हम इसको ड्रेन आउट कर लेते हैं, ड्रेन आउट कर लिया है। अब इसके अंदर हम ये अपनी सॉस मिला देंगे जो हमने ये बनाई हुई है, और ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा कुक करेंगे ताकि ये मसाले में अच्छे से पक जाए, इसका मसाला एडजस्ट हो जाए। ये हमारा रेडी हो चुका है, ऊपर से हम ग्रीन अनियन डालेंगे हम थोड़ी सी, ताकि इसका शो हमारी थोड़ी सी आ जाए और कल थोड़ा सा कलरफुल और हो जाए। ये हमारा रेडी हो चुका है, अब हम डिश आउट करते हैं। ये देखिए, चलिए देखिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मैक्रोनी पास्ता रेडी है। आप भी सर में घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए और आने वाली नई वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।